सो हेलो गाइस एंड वेलकम माय चैनल अगेन। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फाइनली मैं कनाडा पहुँच गया था एंड अभी मैं हूँ अपनी बेसमेंट में। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि $1100 की बेसमेंट है, कितनी सी है और कहाँ पे है और उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ये हैं हमारे लड्डू जी, लड्डू गोपाल जी। ये हमारा छोटा सा मंदिर है और ये अपना स्टूडियो अपार्टमेंट बोल लो या स्टूडियो बेसमेंट बोल लो, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ये हमारा किचन है खाना बनाने के लिए। ये हमें इंडक्शन, यहाँ पे इंडिया में तो सिंपल चूल्हे होते हैं और यहाँ पे तो कनाडा में ये बिजली वाले ही मिलते हैं। इंडक्शन नहीं बोल सकते, पता नहीं कौन से वाले हैं, बट ये उससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। एंड हियर इज़ द बाथरूम। ये छोटा सा बाथरूम हमें दिया है, ये बाथिंग एरिया है। एंड ये दिस इज़ इट। लाइट्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, लाइट्स मतलब ये वाली जैसे इंडिया में बल्ब होते हैं, सिंपली बल्ब यूज़ करते हैं या कंसी लाइट्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे वाली फैंसी लाइट्स यूज़ करते हैं। ये हमारी छोटी सी सीनरी। और ये इसके साथ ही हमें एक ये फ्रिज मिला है जिसमें कि कुछ खास है नहीं। और ओ ये समोसे, ये विशाखा के समोसे हैं फ्रोज़न, यहाँ पे ऐसे वाले खाने को मिलते हैं। इनको फ्राई करो या ओवन में गर्म करो एंड यू कैन हैव दैट। ये छोटी सी हमें अलमीरा मिली है, ये बीच में ही इंक्लूड थी तो ये पूरा मैंने मैस कर रखा है। जब से आया हूँ मैंने कपड़े ऐसे फेंके हूँ अपने सारे, जो भी है ये ऐसे ही है। एंड ये बेड है, ये इंक्लूड नहीं था, ये हमें परचेज़ करना पड़ा, ऑलमोस्ट $600 का मिला है। ये सारा बेडिंग बुडिंग मतलब खुद ही लेनी पड़ी हमें। ये मैं हूँ आनंद, ये विशाखा और ये हमारी बेसमेंट है। एंड इसको करते हैं बंद। ये हमारा ड्रीम कैचर है। एंड लॉन्ड्री मैं आपको दिखाता हूँ, लॉन्ड्री हमारी लॉन्ड्री से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये स्टेयर्स के नीचे का एरिया है जिस यहाँ पे हम एज ए स्टोर इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने शूज़ वगैरह या बैग्स वगैरह अपने रखे हुए हैं या जो भी ओपन सामान होता है जिसको बाहर नहीं रखना है, तो उसको हम ये एज ए यूज़ कर रहे हैं। और इस साइड इस साइड अपनी दरवाजे के पास लॉन्ड्री है। ये ऊपर को लैंडलॉर्ड का घर को रास्ता जाता है और ये वाली लॉन्ड्री है। यहाँ पे अपनी मशीन है धोने के लिए और ड्रायर लगा हुआ है। एंड बाकी ये सारी यूनिट जो है हीटिंग वगैरह की है, जो भी गर्म पानी आता है या गर्म हीट वगैरह आती है वो सब कुछ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस साइड से हम एंटर करते हैं वो वाला। आप बोलोगे कि वाह ये तो बेसमेंट है। यस इट इज़ अ बेसमेंट। ये बैक साइड है, बैकयार्ड है हमारा, यहाँ पे चिल करते हैं। और ये गिल्लू, ये छोटी सी गिलहरी है, छोटी नहीं यहाँ पे तो, ये तो छोटी वाली है, ब्लैक कलर की गिलहरी होती है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी, डरती भी कम है ये। तो ये बैकयार्ड है हमारा। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि इसके बैकयार्ड के दूसरी साइड कोई घर नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग है तो एरिया काफ़ी सारा ओपन है, मतलब ओपन है ओपन। अच्छा हाँ, और इस साइड से हम जाते हैं, इस साइड से जब भी हमने बाहर को जाना होता है तो इस साइड से जाते हैं। गैराज से हमारी जो है प्राइवेट एंट्री है, गैराज में थोड़ा सा मैसी हो रखा है तो यहाँ पे हमें एक रिमोट दे रखा है, तो रिमोट से दबा के हम गैराज ओपन करके
सबसे बेस्ट पार्ट है ये कि हमें लैंडलॉर्ड के घर के अंदर से नहीं आना पड़ता है। ये थोड़े से फूल भी लगे हुए, ये गुलाब। $1100 पे कर रहे हैं और विद यूटिलिटीज़, बट जो वाईफाई है वो हमें खुद लगवाना पड़ा। ये हमने फाइडो का लगवाया था और इसका हम पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट $62 पर मंथ पे कर रहे हैं। तो ठीक है, लैंडलॉर्ड ने नहीं दिया तो हमें खुद लेना पड़ा। बाकी की जो भी यूटिलिटीज़ वगैरह हैं वो $1100 जो हैं उसके बीच में ही हैं। दैट्स इट। ब्रैम्पटन, ब्रैमली सिटी सेंटर के पास रह रहे हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही फ्रेशको, वॉलमार्ट वगैरह या बाकी भी जो भी मतलब जो भी हमें चाहिए होता है, या ब्रैमली टर्मिनल है, बस टर्मिनल है, बस लेनी है कहीं के लिए, ऑलमोस्ट 200, 300 या 400 मीटर दूर है। तो 10 मिनट में आराम से हमें कुछ भी लेना हो, कुछ भी लेना हो तो 10 मिनट में हम जा के आराम से ले लेते हैं। तो मे बी उस वजह से भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वैसे छोटा सा है, एक्सपेंसिव है। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।